हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपनी एक अहमियत है, और इन्हीं ज़रूरी ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है लीवर। लीवर हमारे शरीर में डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, लेकिन साथ में ये आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ऐसे में लीवर का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लीवर अगर खराब हो गया तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लीवर डैमेज होने से पहले कुछ सिम्टम्स देता है, कुछ लक्षण देता है, जिसको अगर आपने समय पर पहचान लिया और उसको ट्रीट कर लिया तो आप अपनी बॉडी को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जिसको पहचानकर आप अपने लीवर को खराब होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट, नौजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि जी मचलाना और उल्टी होना। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जब लीवर खराब होने लगता है तो वो आपको ये ऐसे सिम्टम्स देता है। अगर आपका भी जी मचला रहा है या बार बार आपका उल्टी करने का मन कर रहा है तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या आपका लीवर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। कभी कभी लेटर स्टेजेस में जब लीवर जब अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता और यही प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती है तो आपको वॉमिटिंग के साथ यानी कि उल्टी के साथ खून आने लगता है, या फिर जो आपकी पॉटी होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर की हो जाती है, आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ऐसे में आप ये ध्यान दीजिए, अपने लीवर के सारे टेस्ट कराइए और अगर वो सही नहीं है तो समय रहते उसका इलाज लीजिए। एब्डोमिनल पेन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि पेट में दर्द होना और साथ साथ पेट में पानी जमा होना, फ्लूइड का जमा होना, जिसको हम असाइटिस भी बोलते हैं। देखिए, जब कभी भी लीवर की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको पेट के राइट साइड में ऊपरी हिस्से में दर्द होना शुरू होता है, कई बार हल्का हल्का दर्द होता है, तो आपको उसी वक्त उसका चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर आपको चेक करेगा, वहाँ पे पालपेट करके देखेगा और हो सकता है कि आपका जो लीवर है वो बढ़ा हुआ हो और वो पालपेशन में ही पता चल जाए। तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोलेगा और वो टेस्ट कराने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में जब आपके पेट में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होने लगता है, यानी कि फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, तो उसको हम असाइटिस बोलते हैं। ये जो कंडीशन होती है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है और ये जो है ये सिरोसिस ऑफ लीवर की तरफ इशारा करती है। थर्ड, स्किन इचिंग, यानी कि स्किन पर खुजली होना। देखिए, क्या होता है कि जब आपका लीवर ठीक से काम नहीं करता तो आपके शरीर में बाइल सॉल्ट्स की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और यही बाइल सॉल्ट्स आपके स्किन के नीचे इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर इचिंग हो जाती है, यानी कि खुजली होने लगती है, रैशेज होने लगते हैं। और ये जो लीवर की वजह से जो स्किन पर इचिंग होती है, इसकी एक खास बात ये है कि आप कितना भी उस पर खुजली कर लो, उसमें आपको आराम नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल इचिंग होती है, परसिस्टेंट इचिंग होती है, लगातार होती रहती है। कई लोगों को तो खुजली करने के लिए चक्कू का सहारा लेना पड़ता है या कई लोग तो स्टिक से खुजली करते हैं और इतनी खुजली करते हैं कि स्किन के अंदर से ब्लड आने लगता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी खुजली में आराम नहीं मिलता। अगर आपको भी ऐसी ही कोई परसिस्टेंट इचिंग हो रही है तो आपको समय रहते अपने लीवर के सारे टेस्ट कराना बेहद ज़रूरी है। फोर्थ, स्लीप डिसऑर्डर। जिन लोगों को भी लीवर की प्रॉब्लम होती है उनको नींद लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ना तो वो नींद ले पाते हैं, ना ही ढंग से सो पाते हैं। अगर वो सो भी गए तो 2 या 3 घंटे में ही उनकी नींद खुल जाती है। सारा दिन उनको बेचैनी रहती है, सुबह जब उठते हैं तो उनको रिफ्रेश फीलिंग नहीं आती। अगर आपको भी ये सिम्टम आ रहे हैं और साथ में दूसरे सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको दिख रहे हैं, तो आप एक बार लीवर का टेस्ट ज़रूर करा लीजिए। फिफ्थ, स्वेलिंग इन लेग्स। देखिए, आपने ये देखा होगा कि कभी कभी हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, जब हमने लंबा ट्रेवल किया हो या हम ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहे हो तो उस समय पे हमारे पैरों में स्वेलिंग आना थोड़ा सा नॉर्मल होता है। लेकिन
कई बार क्या होता है कि ये स्वेलिंग बहुत लंबे समय तक टिकी रहती है। ये जो स्वेलिंग होती है लीवर की वजह से, ये होता है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा मींस जहां पे भी आप दबाएंगे, देखिए जब आप कभी किसी भी चीज को प्रेस करते हैं तो आपकी स्किन बहुत जल्दी अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है, लेकिन ये जो स्वेलिंग इन लेग्स आपको जब होती है, तो जब आप स्किन के उस किसी भी हिस्से को वहां पर दबाते हैं तो आपकी स्किन अपने नॉर्मल रूप में आने में बहुत टाइम लगाती है, इसी को ही हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। इसी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी स्वेलिंग नॉर्मल है या फिर किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से है। अगर आपको भी स्वेलिंग इन लेग्स हो रही है तो एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए। सिक्स्थ, फैटीगनेस, यानी कि थकान रहना। खास करके नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के केसेस में फैटीगनेस बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा ही काम करने पे थक जाते हैं, आप सारा दिन इनएक्टिव रहना पसंद करते हैं, सारा दिन ऐसा लगता है आपको कि आप बेड पे लेटे रहें। तो ऐसे केसेस में अगर आपको बार बार फैटीगनेस हो रही है तो आप बाकी टेस्ट के साथ साथ लीवर फंक्शन टेस्ट भी ज़रूर करा लें। देखिए अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखता है तो आप ये मत सोचिए कि आपका लीवर खराब ही हो गया है, क्योंकि कई लोगों को कई बार कुछ भी बाहर का खाने से या अटपटा खाने से नौजिया वॉमिटिंग हो सकती है, या कई बार आपको कई बार मार्केट में गए सारा दिन थक गए तो पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, कई बार पेट में दर्द भी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स इनमें से जैसे 5 से 6 सिम्टम अगर आपको इकट्ठे देखने को मिलते हैं, या फिर आंखों में आपको पीलापन दिखता है, आपको बार बार आपको उल्टी करने का मन करता है, उल्टी में आपको ब्लड दिख रहा है, या फिर आपकी पॉटी बहुत डार्क कलर की हो गई है, तो ऐसे में आप इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, अपने लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करा लें। समय पर की गई हर जांच आपको बड़ी बीमारी से बचा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।